वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है कि वो अपने वतन वापस लौट जाएं और इसके बाद ना जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी के इजलास में दो टोक मौकफ अपनाते हुए कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाहो बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकदम है। निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक़ाक़र की ज़ेरे सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम हसास इदारों के सरबराहान चारों सूबाई आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटी इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज की। और रावलपिंडी टानक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिले टानक में खुफिया अदारे पर कार्रवाई की जिसके दौरान दो तरफा फायरिंग के शदीद तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए।